हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है ना, कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या मतलब है सर। सबसे पहले समझें, कई बार क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर होता है कंपनी, मान लेते हैं कि जैसे मेरे ऊपर एग्जाम्पल ले लो कि एक कंपनी है और उसने शेयर इशू किए और मैंने उसके कुछ शेयर खरीद लिए, तो मैं कौन हो गया, शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करती है, पैसे मांगती है। एक तो होता है एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट और एक कॉल्स। अब मान लेते हैं कंपनी क्या करती है, कोई कॉल्स मांगती है। कंपनी ने मांगा फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2 रुपए मांग ली कंपनी ने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड कॉल के भी पैसे दे दिए, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे अभी तक मांगी नहीं है तो एडवांस में मैंने पैसे दे दिए, यानी कंपनी ने मांगे भी नहीं है पैसे और मैंने पहले ही दे दिए। कंपनी ने मांगी थी फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, और मैंने सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही पे कर दिए। इसे बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। अब ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये कंपनी को तभी अलाउड है। एक सेक्शन होता है सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्लियरली लिख रखा है कि कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस में अगर कोई पेमेंट आपको मिलता है कंपनी को, तो वो तभी रिसीव कर सकती है जब कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें एथोराइज्ड है, कंपनी के पास एथोरिटी दे रखी है, तो ही कंपनी कॉल्स इन एडवांस वाले अमाउंट को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है। इसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला जाता है अलग से, जिसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या नेचर होती है उसकी, क्रेडिट। तो ये मान के चलो ना, देखो हम एडवांस में, मैं एडवांस में पैसे दूंगा कंपनी को, देखिए कंपनी के लिए तो एक तरीके से क्या होगी, वो लायबिलिटी होगी, ऐसे मान के चलो, है ना। तो लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। तो ये कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स पेड इन एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार चलते हैं, मैंने हर चीज बारीकी से लिख रखी है, प्रॉपर नोट्स बना लो, और जिसको कॉल्स इन एरियस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पिछली क्लास में जाके देख लो, और जिसको पूरा ही चैप्टर करना है 100%, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, वो फर्स्ट वीडियो से लग जाओ। वीडियो नंबर 1, 2, 3, एक एक क्लास को ऐसे देखो कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, ढंग से। ओके चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, कॉल्स पेड इन एडवांस करने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, फ्यूचर कॉल्स पेड इन एडवांस। इसका क्या मतलब है, कंपनी फ्यूचर में मांगेगी पैसे, ठीक है ना, ओके, और उसका एडवांस में पेमेंट कर दिया। यानी जैसे एक एग्जांपल ले रखा मैंने यहां पे, मान लेते हैं एक मिस्टर ए है, कोई कंपनी है उसके, उसने 500 शेयर्स खरीद रखे हैं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांगे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने 2 रुपए मांगे तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे, उसने सेकंड कॉल के भी पैसे जो 2 रुपए थे वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही दे दिए, यानी ये एडवांस में दे दिए। इसी को तो बोलेंगे क्या, ठीक है, कॉल्स पेड इन एडवांस, है ना, कॉल्स पेड इन एडवांस। मांगे तो ये थे और ये एडवांस में दे दिए। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया सेक्शन 50 कंपनी एक्ट 2013 का, अगर कंपनी के कंपनी एथोराइज्ड है, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर अगर कंपनी को अथॉरिटी दे रखी है कि भाई कंपनी ऐसा कर सकती है, कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को रिसीव कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो ही कर सकती है, अदरवाइज ये कॉल्स पेड इन एडवांस का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिखा होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये तो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर कॉल्स पेड इन एडवांस क्लियर होगा। आपको एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब है कि कंपनी ने कोई कॉल मांगी है, मांगी है जैसे फर्स्ट कॉल, तो किसी व्यक्ति ने सेकंड कॉल के भी पैसे दे दिए उसके ऊपर, फर्स्ट कॉल मांगी थी और सेकंड कॉल के एडवांस में दे दिए, तो उसी को बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। लेकिन ऐसा कंपनी तभी कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी दे रखी हो, अदरवाइज नहीं कर सकती। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब सवाल उठता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर पहली चीज तो ये कि व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड, अब अमाउंट पैसे मिल रहे हैं कंपनी को कॉल्स इन एडवांस, यानी कि सेकंड कॉल के पैसे भी यहां पे मिल रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेगी कंपनी, कंपनी क्या करेगी, पैसे आए मेरे पास, तो पैसे आएंगे तो आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए तो डेबिट कर दिया। कंपनी क्या कहेगी, ये इसको क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था, इसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है, इसको हम क्रेडिट करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, जिसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी कहेगी पैसे आए और पैसे कहां से आए, कौन सा अकाउंट खोल देंगे, कॉल्स इन एडवांस, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, ये एंट्री बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, यही इसकी एंट्री होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, यही आपको ध्यान रखना है, है ना। अब मेन चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अब सवाल उठता है कि ये जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने खोला है, अगर हम इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना चाहें तो बैलेंस शीट में कहां पे दिखाएंगे? पहली बात तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल 3। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वीडियो देख लो आप, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह, वहां पे आपको वर्टिकल बैलेंस शीट भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहां पर मेन हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। टी फॉर्म की बैलेंस शीट में तो खाली लायबिलिटी होता है, लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की, उसमें जो हेड होता है वो पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ठीक है ना करंट लायबिलिटी का हेड, और करंट लायबिलिटी के अंदर जो सब हेड होता है वो होता है अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर कॉल्स इन एडवांस फॉर्म प्रेजेंट करते हैं। अब आगे ठीक है ना, आगे कहता है अगर फ्यूचर में ठीक है ना, अगर फ्यूचर में व्हेन कॉल इज मेड बाय डायरेक्टर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अभी तक तो सेकंड कॉल मांगी नहीं थी, ठीक है ना, तो मैंने एडवांस में पे कर दी तो अकाउंट खोल दिया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इस 2 रुपए का है ना। अब एक्चुअली में क्या कर रहे हैं डायरेक्टर, कंपनी के बिहाफ पर पैसे मांग रहे हैं सेकंड कॉल के, तो ये कह रहा तब क्या एंट्री बनाएंगे? तो सेकंड कॉल की नॉर्मल जो एंट्री बनती है, पहले तो ड्यू की एंट्री पास कर दो, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी सेकंड कॉल है ना, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कॉल इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सेकंड भी हो सकती है फाइनल भी हो सकती है ना। तो शेयर अगर सेकंड कॉल है जो हमने एडवांस पे की, तो क्या लिख देंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री होती है आपको पता ही है। फिर पैसे लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, सेकंड कॉल, ये एंट्री हो जाएगी पैसे लेने की। अब कॉल्स इन एडवांस पे एडवांस में पैसे दे ही चुके हैं, है ना, तो वो पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, तो वो पैसे छोड़ के बाकी के पैसे मिल जाएंगे जो भी मिलेंगे, है ना, तो वो पैसे छोड़ दे, तो यानी कि जो हमने अकाउंट खोला था यहाँ पे क्रेडिट किया था अब वो खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे हम उसको, डेबिट कर देंगे। आई होप क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और यहां से एमसीक्यू लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब आपको, है ना, और यहाँ पे थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करा दिया गया है, ठीक है। तो ये था कॉल्स इन एडवांस, एक दो बार इसको देख लो, सुन लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, और पिछला वीडियो कॉल्स इन एरियर्स का था वो भी जाके देख लो एक बार, ठीक है ना। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो एक बनाऊंगा जिसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। हालांकि हो सके तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको साथ साथ में खुद ही कर लेने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि सर एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हो जाए तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जो मेरा लास्ट का वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, फिर उन्हीं टॉपिक के ऊपर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, ठीक है ना, वो भी खासकर सीबीएसई के क्वेश्चन, ठीक है ना, जो जिस तरीके के पेपर में आते हैं। चलिए इसको लिख लो, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय बेटा, ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट चले हुए भी, ओके, चलिए बाय।